हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 आज कंटिन्यू करेंगे, जो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें हमने मेंडल्स के लॉस पढ़े थे, उसके बाद हम देख रहे थे कि जो ह्यूमंस हैं उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन किस प्रकार से होता है। तो आज हम देखेंगे जो सेक्स डिटर्मिनेशन है यानी कि लिंग निर्धारण है वो किस प्रकार से हो रहा है। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सो क्लास, कल हमने बात की थी कि जो ट्रेड्स होते हैं वो किस प्रकार से एक्सप्रेस होते हैं। तो हमने इसमें क्या देखा था, हमने देखा था कि जो हमारा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे होती है, वो हमने कहा था डीएनए में होती है। डीएनए हमारा क्या है, जेनेटिक मटीरियल है। तो डीएनए का एक पीस होता है, एक पीस है जो क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे हम जीन कह रहे हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा जो डीएनए है, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है यानी कि आनुवंशिक पदार्थ है, जो कि हमारे जो इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को यानी कि आनुवंशिक जानकारी जिसमें पूरी संचित रहती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो डीएनए के कोई भी सेगमेंट होगा, छोटा सा सेगमेंट, वो सेगमेंट या वो पीस जो कि किसी प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। अब प्रोटीन के निर्माण से क्या होगा, हमने कहा किसी प्रोटीन का निर्माण हो रहा है तो उस प्रोटीन से क्या होगा, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है वो वहां पे कंट्रोल होगा, यानी कि वो प्रोटीन किसी गुण के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, उत्तरदायी होगी। तो यही हमने कहा, हमने कहा डीएनए से क्या बन रहा है, डीएनए से यहाँ पे बन रहा है जो डीएनए का जो जीन है, पीस ऑफ डीएनए है, वो क्या कर रहा है, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है। प्रोटीन से क्या बन रहा है, प्रोटीन वो उस किसी भी कैरेक्टर को वहां पे क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो क्या होता है यहाँ पे, हमने कहा हाइट ऑफ अ प्लांट डिपेंड अपॉन द ग्रोथ हार्मोन। हमने कहा कि जो प्लांट की जो हाइट है यानी कि जो प्लांट की लंबाई है वो किस पे निर्भर करती है, एक हार्मोन है जिसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं या फिर वृद्धि हार्मोन हम उसे कहते हैं। तो वृद्धि हार्मोन पे ये डिपेंड करता है, हमने उसे कहा कि विच इज टर्न कंट्रोलिंग बाय द जीन। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये किसी जीन के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। तो जब इस जब यहाँ पे क्या है, जीन अच्छे से काम कर रहा है, तो अगर अच्छे से काम कर रहा है तो ग्रोथ हार्मोन क्या होगा, बहुत अच्छे से सिक्रीट होगा, यानी कि उचित मात्रा में उसका श्रावण वहां पे हो रहा है। तो जब उचित मात्रा में उसका श्रावण हो रहा है तो वहां पे जो वृद्धि है वो क्या होगी, अच्छी होगी। यानी कि प्लांट किस प्रकार हम देखेंगे, प्लांट हम वहां पे हमें लंबे प्लांट देखने को मिलेंगे। वही हमने कहा कि वो जो जीन है जो क्या कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल कर रहा है, उस जीन में कोई खराबी आ गई है या फिर वो क्या कर रहा है, वो जीन किसी अच्छे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, फॉल्टी प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो फॉल्टी प्रोटीन क्या होते हैं, वो प्रोटीन की जो क्या कर रहे हैं, नॉर्मल कैरेक्टर को ना दिखा करके एबनॉर्मल कैरेक्टर को दिखा रहे हैं, यानी सामान्य कैरेक्टर को नहीं दिखा रहे हैं बल्कि असामान्य कैरेक्टर को दिखा रहे हैं। तो सामान्य कैरेक्टर क्या था, यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करना और उचित मात्रा में रिलीज करना ताकि जो प्लांट है उन्हें अच्छी हाइट मिले। लेकिन जब ये जीन खराब हो गया है तो यहाँ पे क्या हुआ, जब जीन खराब हुआ तो यहाँ पे किस प्रकार का प्रोटीन बना, फॉल्टी प्रोटीन बना। और फॉल्टी प्रोटीन बना तो जो ये ग्रोथ हार्मोन है इसका जो श्रावण है वो कम हो गया है या फिर नहीं हो पा रहा है। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो वहां पे ग्रोथ थी वो रुक गई है। तो इसीलिए हमें क्या कहा गया है कि जो भी कैरेक्टर है वो जीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। इस प्रकार से हमारे पास एग्जांपल आया था कि अगर जो जीन है वो अच्छे से काम कर रहा है तो ग्रोथ हार्मोन अच्छे से रिलीज होगा, ग्रोथ हार्मोन अच्छे से यानी कि उचित मात्रा में रिलीज होगा तो प्लांट की हाइट बढ़ेगी। अगर जीन जो है वो कार्य सही तरीके से नहीं कर रहा है तो ग्रोथ हार्मोन का जो श्रावण है वो कम होगा और फिर यहाँ पे जो प्लांट की हाइट है वो हमें शॉर्ट देखने को मिलेगी, नहीं ड्वार्फ हमें देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट हमारा था, हमने क्या पढ़ा था, हाउ इज द सेक्स ऑफ द न्यू बॉर्न इंडिविजुअल डिटरमाइंड। अब जब हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन के बारे में, हमने क्या कहा, हमने कहा मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है और फ्यूजन जब हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा। जब जायगोट वहां पे बना तो जायगोट में बहुत सारे वहां पे विभाजन होंगे, बहुत सारे डिवीजन हम वहां पे पाए जाएंगे और ऐसे डिवीजन होते होते वहां पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण का फॉर्मेशन हुआ। भ्रूण में क्या है, अब पहले क्या था, क्या बात की हमने अभी तक, हमने कहा ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है। तो ये मेल है ये फीमेल है
मेल से क्या बने, यहाँ पे मेल गैमेट बना और फीमेल से यहाँ पे फीमेल गैमेट बना, दोनों फ्यूज हुए और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोट क्या है, सिंगल सेल है, यहाँ पे एक सेल है, एक ही कोशिका है यहाँ पे। तो हमने क्या देखा, जब जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ तो जाइगोट में विभाजन हुआ और बहुत सारे यहाँ पे इस प्रकार से सेल जैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला। ये बॉल जो यहाँ पे बन रहे हैं वो क्या है, सेल है, यानी बहुत सारे सेल का गुच्छा यहाँ पे बन जाता है। और जब बहुत सारे सेल का गुच्छा यहाँ पे बना तो धीरे धीरे इन सेल से, इन कोशिकाओं से ऊतक और अंगों का निर्माण हुआ। अब हमने इसे क्या कह दिया है, अब हम इसे कहते हैं एम्ब्रियो कह सकते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं, एम्ब्रियो कह सकते हैं। एम्ब्रियो में फिर से क्या वो फर्दर चेंजेस हुए, यानी कि बदलाव हुए, वहां पे डिवीजन यानी कि विभाजन हुए, फिर वहां पे जो अंगों का क्या है, जब हम अंगों को स्पष्ट रूप से पहचान पा रहे हैं कि ये जो एम्ब्रियो का हाथ है, पैर है, ये उसकी नाक है, ये उसकी आंख है, तो हम उसे फीटस कह दे रहे, क्योंकि फीटस के क्या है, सारे ऑर्गन को हम स्पष्ट रूप से पहचान पा रहे हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे, अब यहाँ पे पूरे एक न्यू बॉर्न का जन्म हो गया। ये तो हमने देखा कि किस प्रकार से किसी भी न्यू बॉर्न में, किसी भी एम्ब्रियो में या किसी भी जाइगोट में किस प्रकार से अंगों का निर्माण हो रहा है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि उसका जो लिंग निर्धारण है, जो सेक्स का जो डिटर्मिनेशन है, वो किस प्रकार से होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो यहाँ पे जो लिंग का निर्धारण है वो किस प्रकार से होगा, ये तो हमने देखा कि डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था कि यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास आया था, हमने क्या कहा था, डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर दिस, यानी कि अलग अलग जो स्पीशीज होती हैं वहाँ पे जो सेक्स का जो डिटर्मिनेशन होता है, लिंग का जो निर्धारण होता है, उसकी अलग अलग क्या होती है, अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं, अलग अलग प्रोसेस होती हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कुछ एनिमल्स की कि टेम्परेचर यानी कि तापमान के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन होगा। अगर हम बात करें कुछ स्नेल्स की तो ये क्या कर सकते हैं, अपने सेक्स को चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यानी मेल से फीमेल और फीमेल से मेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसलिए हमने क्या कहा, जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं है, यानी आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं है। अनुवांशिक रूप से निर्धारित कौन होगा, जो फिक्स होता है कि ये मेल है और ये फीमेल है। लेकिन स्नेल में हम क्या देख रहे हैं कि ये मेल से फीमेल और फीमेल से मेल में चेंज हो जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि अनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। वहीं अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि ये जेनेटिकली डिटरमाइंड होते हैं, अनुवांशिक रूप से निर्धारित होते हैं। अब जब भी कोई न्यूबॉर्न होता है तो उसी टाइम पे उसका पता चल जाता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। इसके बाद ऐसा नहीं होता है कि वो खुद को मेल से फीमेल और फीमेल से मेल में चेंज कर दे रहा है। तो यही सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी कि किस प्रकार से यहाँ पे जो न्यूबॉर्न इंडिविजुअल होता है वो उसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है अलग अलग स्पीशीज में किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट जब हमारे पास आया था टॉपिक, अब हम देख रहे थे कि किस प्रकार से यहाँ पे होता है। जैसे कि अगर हम देखें अपनी सोसाइटी में हम देखें तो आपको पता होगा कि पहले के टाइम पे और अभी भी बहुत जगह अभी भी क्या होता है कि अगर कहीं पे किसी लड़के या लड़की का जन्म हुआ है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसे मानते हैं, मदर को माना जाता है, यानी कि फीमेल को कहा जाता है। अगर वहां पे उनका लड़का नहीं हुआ, लड़की हो गई है, या लड़की नहीं हुई लड़का हो गया है, तो उसके लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है, फीमेल को माना जाता है। कई बार आप देखते हो कि यहाँ पे हिंसा जैसी चीजें भी हमें देखने को मिलती है, किसी को अगर लड़का चाहिए और वहां पे लड़का नहीं होता, लड़की हो जाती है, तो इसके लिए जिसका जो आरोप है वो फीमेल पे लगाया जाता है। तो इसमें हम यही देखेंगे कि आखिर उसके लिए कोई भी, अब वहां पे जब सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है, किसी लिंग का निर्धारण हो रहा है जब किसी भ्रूण में, तो कौन उत्तरदायी है वहां पे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमने क्या कहा था, मेल और फीमेल से दोनों गैमीट आ रहे हैं, तो वहां पे हम देखेंगे कि कौन उत्तरदायी होता है, कि यहाँ पे जो न्यू बॉर्न है वो बॉय होगा या डॉटर होगा, यही हमें देखना है, यही हमें पढ़ना है। ये पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, एक इमेज को देख लेंगे। चलिए तो कुछ इम्पोर्टेंट आपको कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे कि हमने कहा था कि जो क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो हमें कितना होता है,
क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है वो हमारे बॉडी में कितना होता है, 46 कहिए या फिर 23 पेयर कहिए। 23 पेयर का क्या मतलब होता है, या तो 23 जोड़ी कहिए या 46 कहिए। अब हमने कहा 46 में से हमने कहा, अब हम क्या करेंगे, 46 ना देख के अगर हम 23 पेयर कहें तो ज्यादा सही है, क्योंकि हमें अब जो नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट हमारा वर्ड आएगा वो इसी से रिलेटेड आएगा। हमने कहा जो 22 जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी हमारे पास टोटल क्रोमोसोम है, हमने कहा जो 22 जोड़ी क्रोमोसोम है वो सब में समान पाए जाते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में क्या पाए जाएंगे, वो समान पाए जाएंगे। और इन 22 जोड़ी को हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं। हमने कहा ऑटोसोम्स से कहते हैं। अब हमारे पास कितनी जोड़ी बची, हमारे पास एक पेयर बचा, ये क्या है, एक पेयर है। एक पेयर है। अब ये जो एक पेयर बचा इसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम इसे कहा जाता है। अब हमें ये तीन वर्ड क्यों पढ़ने हैं, सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 23 पेयर में होता है, यानी कि 46 क्रोमोसोम हमारे पास होते हैं। सेकेंड, हमने कहा कि जो 23 जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी में से जो 22 पेयर होते हैं, जो 22 जोड़ी होती है वो क्या होती है, सेम होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में सेम होगा। तीसरी बात, हमने कहा जो एक जोड़ी होती है वो होती है सेक्स क्रोमोसोम होता है। सेक्स क्रोमोसोम अब क्या हमें बता रहा है, हमें ये बताएगा ये जो वन पेयर है, यही वन पेयर डिसाइड करेगा कि यहाँ पे डॉटर होगी या फिर सन होगा। अगर हम बात करें मेल की और फीमेल की, अब हम मेल और फीमेल में दोनों में देखेंगे ये 23वां जोड़ा किस प्रकार से होता है। हमने जब मेल में कहा, हमने कहा ये जो 23वां जोड़ा होता है ये XY होता है। हमने कहा फीमेल में ये जो 23वां जोड़ा होता है ये XX होता है। अब आपको ये ध्यान रखना है जहां पे भी XY आएगा वो क्या होगा, मेल होगा, जहां पे भी XX आएगा वो क्या होगी, फीमेल होगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप दोनों में क्या है, दोनों के हमने यहाँ पे क्या देखी, 23वां जोड़ा हमने देख लिया है कि क्या होता है, मेल में एक्स वाई होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है। कौन सा है ये, 23वां जोड़ा है, 23rd पेयर है ये। अब यहाँ पे यही जो क्रोमोसोम है यही डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे मेल का फॉर्मेशन होता है या फिर फीमेल का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले आपको ये चीजें नोट करनी है, ऑटोसोम क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, और 23rd जो क्रोमोसोम है वो मेल में किस प्रकार से होता है, फीमेल में किस प्रकार से होता है। ये जो 23rd क्रोमोसोम है ये क्या होता है, अलग अलग होता है, जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग है, सेम नहीं है, जबकि 22 जोड़ी क्या होती है, समान होती है। तो पहले आप इन पॉइंट्स को नोट करेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से हमें पता चलेगा कि जो फ्यूचर जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें से कितने सन और कितने डॉटर होंगे। अब हमने क्या कहा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, मेल के लिए हमने लिखा एक्स वाई, फीमेल के लिए हमने लिखा एक्स एक्स। चलिए अब जब हमने मेंडल्स के लॉ पढ़े थे हमने ये कहा, क्या देखा हमने, ये है पेरेंट। अब आपको जब भी आप क्रॉस करेंगे आपको ये चीजें बतानी है कि यहाँ पे क्या है, आपको पेरेंट को पी से आप डिनोट करेंगे, ये पेरेंट है। हमने जब मेंडल्स के लॉ पढ़े थे तो हमने क्या कहा था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमने पढ़ा था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो जो जीन पेयर होते हैं वो अलग अलग गैमीट में जाएंगे, तो यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होगा। और आप इसी प्रकार से गैमीट बनाएंगे, आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, आपको इसी प्रकार से गैमीट बनाना है, और गैमीट को आपको जी से इंडिकेट करना है कि ये क्या है, गैमीट है। चलिए
अब जब यहाँ पे हमने लॉस पढ़ लिए हैं, हमने पहले क्या देखा, लॉ ऑफ डोमिनेंट देखा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंट क्या होता है, जो अपने आपको एक्सप्रेस कर पा रहा है, लेकिन यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंट जैसी चीजें नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वली जो हर एक जो गैमेट है वो अपने आपको इक्वली एक्सप्रेस करेगा। जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के हमें बहुत सारे अपवाद देखने को मिलते हैं, यानी कि ऐसा नहीं होता है कि जो जो प्रभावी कैरेक्टर है वही खुद को एक्सप्रेस करेगा। कभी कभी क्या होता है, जो डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों जो कैरेक्टर होते हैं, दोनों का मिक्सचर वहां पे आता है, यानी कि बीच की स्थिति आती है, ना वहां पे कोई डोमिनेंट होगा ना कोई रिसेसिव होगा, बीच की स्थिति वहां पे आती है। इस प्रकार से बहुत सारे वहां पे क्या आते हैं, अपवाद भी हमें देखने को मिलेंगे। अभी के लिए हमें क्या याद रखना है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमने देख लिया है यहाँ पे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि सेकेंड लॉ, मेंडल का जो सेकेंड लॉ है वो यहाँ पे अप्लाई हो गया है कि क्या हो रहा है, गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। और गैमेट के फॉर्मेशन को आप इस प्रकार से बताएंगे, यहाँ पे ये गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया है। सेम यही चीज इमेज में दिखाई गई है, लेकिन इमेज में आपको शॉर्ट करके दिखाया गया है। अब हमने क्या कहा, अब हम लास्ट लॉ पे आएंगे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। जो लास्ट लॉ था मेंडल का वो यही था कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। क्या कहा गया था उसमें कि जो गैमेट बने हैं वो स्वतंत्र हैं कि वो किस गैमेट से क्या करेंगे, पेयर करेंगे, किस गैमेट से संलयित होंगे। हम क्या कर रहे हैं, इनके बीच में क्रॉस हो रहा है, क्रॉस हो रहा है किसके, मेल और फीमेल के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में क्रॉस हो रहा है। तो क्रॉस में जो गैमेट बने हैं, अब जो मेल के गैमेट है वो फीमेल के गैमेट से फ्यूज होंगे, लेकिन ये क्या गैमेट क्या है, स्वतंत्र हैं कि वो किस गैमेट से क्या होंगे, फ्यूज होंगे। ये जो एक्स है ये स्वतंत्र है कि ये इस एक्स से फ्यूज कर जाए, या फिर ये जो एक्स है ये स्वतंत्र है कि ये इस एक्स से फ्यूज कर जाए। ये इसकी क्या है, ये इसका अपनी स्वतंत्रता है, इसी को हमने पढ़ा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। तो जब ये वाला जो एक्स है ये इस एक्स से क्या कर रहा है, फ्यूज हो रहा है, संलयित हो रहा है, एक्स एक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये जो एक्स है जब यहाँ से संलयित हो रहा है तो फिर एक्स एक्स का फिर से फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये जो वाई है ये स्वतंत्र है कि ये इससे संलयित हो या फिर वो इस एक्स से संलयित हो, तो क्या हो रहा है, एक्स वाई यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे भी एक्स वाई बनेगा। अब आपको मैंने बता दिया है, आपके अगर फिर भी अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि पहले गैमेट बन रहे हैं वो अलग अलग हो जा रहे हैं, फिर गैमेट संलयित हो रहे हैं, फिर से वो इकट्ठा आ जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने कहा कि जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्रोमोसोम का जो नंबर होगा वो 46 होगा। हमने कहा यहाँ पे जो क्रोमोसोम का जो नंबर होगा वो 46 होगा, यहाँ पे भी जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो 46 होगा, दोनों में मेल और फीमेल में। लेकिन जब यहाँ पे इनके गैमेट बने तो दोनों गैमेट में क्या होगा, 23 इसमें होगा, 23 इसमें होगा। सेम इनमें भी यही होगा कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर है इसमें भी 23 है, इसमें भी 23 है, दोनों में क्या होगा, 23 होगा, ये भी 23 है और ये भी 23 है। तो ये बात आपको समझ आ गई कि क्या है, वैसे जो नॉर्मल जो सेल होती है उसमें क्या होना चाहिए, 46 होना चाहिए। अब जब ये सेल फ्यूज होके यहाँ पे बना रही है तो ये जहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो 46 होगा, क्योंकि 23 क्रोमोसोम प्लस 23 क्रोमोसोम मिलकर 46 क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही है। अगर यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है ये सेपरेट नहीं हुए होते तो क्या होता, अगर ये क्रोमोसोम एक साथ आ जाते तो क्या होता, 46 क्रोमोसोम एक में, 46 क्रोमोसोम मेल के हैं, 46 फीमेल के आ जाते हैं, तो एबनॉर्मल कंडीशन आ जाती है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में 46 क्रोमोसोम होंगे। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपको ये याद रखना है। तो चलिए यहाँ तक की बात हमने जान ली कि अब ये हो गए हैं। अब हम जानते हैं कि जो मेल में जो क्रोमोसोम है वो क्या, उन्हें क्या कहते हैं, फीमेल में जो क्रोमोसोम है उन्हें क्या कहते हैं। अब यहाँ पे जो बनी वो बनी फीमेल, ये भी क्या बनी हमारे पास, फीमेल बनी, ये हमारे पास मेल बना और ये भी हमारे पास मेल बना। यानी कि अब क्या है, दो मेल टोटल हमारे पास चार ऑफस्प्रिंग आए और चार में से दो मेल बने और दो फीमेल बनी, यानी कि कितने 50-50% चांसेस हैं कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि क्या है, इस बारी मेल ज्यादा बन रहा है लेकिन इस बारी फीमेल ज्यादा बन रही है, क्या आपको देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे भी सेम देखेंगे, ये क्या है, मेल और फीमेल है, ये क्या है,
क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे आपको क्रॉस करके दिखाया गया है, तो आपको यहाँ पे दो डॉटर और दो सन यहाँ पे देखने को मिले। तो क्या यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि हर एक जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, किसमें मेल और फीमेल दोनों में जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो गैमेट स्वतंत्र रहता है कि उसे किस गैमेट के साथ फ्यूज करना है। तो क्या है कि जब अब ये चीज जैसे चार हमें कंडीशन बताई गई हैं, तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो यहाँ पे चार ऑफस्प्रिंग नहीं बनते हैं, बनता तो एक ही है, या फिर जब अगर ट्विंस हो गए तो दो बनते हैं। तो क्या होगा, इन चारों में से कोई भी कंडीशन बन सकती है, चारों में से कोई भी कंडीशन ये हो सकता है, वो ये कंडीशन हो, ये कंडीशन हो, ये हो या ये हो। यानी वैसे तो देखने को हमें क्या है, दो ही कंडीशन देखने को मिल रही है, क्योंकि दो मेल और दो फीमेल है। कि क्या मतलब है कि मेल और फीमेल है, 50-50 चांसेस होते हैं कि वहां पे या तो मेल और फीमेल बनने के जो चांसेस हैं वो बराबर होंगे यहाँ पे। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि यहाँ पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, कि यहाँ पे लिंग का जो निर्धारण हो रहा है उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना ही मेल और ना ही फीमेल। लेकिन यहाँ पे आप क्या देखोगे कि जो फीमेल है, फीमेल में जो क्रोमोजोम होते हैं वो तो क्या है, समान है, लेकिन यहाँ पे जो मेल में जो क्रोमोजोम है वो क्या है, असमान क्या है, वाई है। इससे क्या हमें पता चल रहा है कि जब मेल का वाई क्रोमोसोम संलयित होगा किससे, एक्स क्रोमोसोम से, तभी वहां पे मेल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यानी कि अगर हम कहें कि मेल के, या अगर हम मेल की बात करें या फिर हम सन की बात करें, तो यहाँ पे मेल के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मेल का वाई क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यहाँ पे जो गैमेट एक दूसरे से संलयित हो रहे हैं ये क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मेल रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे लिंग निर्धारण के लिए या फीमेल रिस्पॉन्सिबल। फीमेल तो वैसे भी नहीं हो सकती है क्योंकि उसमें क्या है, जो यहाँ पे सेट ऑफ क्रोमोजोम है वो समान है। लेकिन हमने क्या देखा, हमने देखा कि मेल में जो सेट ऑफ क्रोमोजोम है वो वहां पे निर्धारित कर रहा है कि यहाँ पे मेल होगा या फीमेल होगा, कौन सा वाला, ये वाई क्रोमोजोम। वाई क्रोमोजोम बता यहाँ पे निर्धारित कर रहा है कि मेल यहाँ पे होना चाहिए या फिर नहीं होगा। अगर हम, अगर यहाँ पे मेल का एक्स क्रोमोजोम यहाँ पे संलयित हो जाता है तो वहां पे फीमेल होगी, लेकिन अगर मेल का वाई क्रोमोजोम फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है तो वहां पे क्या होगा, मेल होगा। इन शॉर्ट हमें क्या, हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि यहाँ पे मेल और फीमेल कोई भी उत्तरदायी नहीं होता है लिंग निर्धारण के लिए। लेकिन अगर क्रोमोसोम की बात करें तो मेल का जो वाई क्रोमोसोम है वो उत्तरदायी होता है मेल के फॉर्मेशन के लिए। यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई है। आपके पास चेकर बोर्ड है, आपको क्या करना है, चेकर बोर्ड को भी अपनी कॉपी में नोट। चलिए, तो अब जो हमने चेकर बोर्ड के माध्यम से समझा है इसे उसी चीज को हम पढ़ लेते हैं। तो क्या कहती है, सबसे पहली लाइन हम पढ़ेंगे, टू अंडरस्टैंड हाउ द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स हैपेंस वी नीड टू नो द फॉलोइंग प्रोसेस। यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण किस प्रकार से हो रहा है, हमें उसके लिए कुछ टर्म्स समझने पड़ेंगे। क्या है वो टर्म्स, तो सबसे पहला आता है ह्यूमन हैज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि मनुष्य में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। अब आपको याद क्या रखना है, 23 जोड़ी का है, 23 नहीं का है, 23 जोड़ी का है, यानी कि टोटल कितने, 46 क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, आउट ऑफ दिस 23 पेयर्स 22 पेयर्स आर ऑटोसोम, कि इन 23 जोड़ी में से जो 22 जोड़ी होती है वो ऑटोसोम्स होती है। ऑटोसोम्स का मतलब है कि वो समान होगी मेल और फीमेल में। एंड ओनली वन पेयर इज द सेक्स क्रोमोसोम्स विच एक्टिवली टेक्स पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि जो 23वां जोड़ा होता है, 23वें जोड़े को हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, और ये वही क्रोमोसोम का जोड़ा होता है जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने देखा बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कैरी टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, मेल और फीमेल होते हैं उनमें दो सेट क्रोमोसोम के होते हैं। मेल हैज वन एक्स एंड वन वाई, हमने क्या कहा था, हमने जब सेट देखा था क्रोमोसोम का तो मेल में हमने क्या देखा, एक्स वाई देखा,
सेक्स क्रोमोसोम इन विच बोथ आर एक्टिव. अब दोनों ही एक्टिव हैं यहाँ पे, दोनों ही क्रोमोसोम क्या है, एक्टिव हैं. नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने देखा फीमेल हैज बोथ एक्स 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 क्रोमोसोम इन विच वन इज एक्टिव. वन इज एक्टिव का क्या मतलब है कि यहाँ पे एक्स एक्स दोनों सेम ही क्रोमोसोम है, दोनों में से कोई भी एक्स यहाँ पे संलयित होता है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, क्योंकि क्या है ये एक्स अगर वाई के साथ, ये एक्स क्या है वाई के साथ संलयित हो रहा है तो वहां पे मेल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन क्यों होगा, क्योंकि वहां पे वाई है. ये एक्स अगर एक्स के साथ संलयित हो रहा है तो फीमेल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दोनों एक्स में से कोई भी एक्स हो रिजल्ट वो सेम ही देंगे. नेक्स्ट हमने क्या देखा, द एक्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम इज फाउंड इन ह्यूमन. तो एक्स वाई जो सिस्टम हम पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, ह्यूमंस में पाया जाता है, मैमल्स में पाया जाता है, कुछ इंसेक्ट में पाया जाता है एंड फ्यू प्लांट स्पीशीज में पाया जाता है. नेक्स्ट हमने क्या देखा, ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर फादर डिस्पाइट वेदर दे आर अ बॉय और अ गर्ल. अब आपको क्या एक इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है कि कोई भी जो कोई भी चाइल्ड हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, यानी कि वो चाहे बॉय है या गर्ल है, वो क्या अपना जो एक एक्स क्रोमोसोम किससे लेता है, अपने पिता से लेता है. ये बात आपको नोट करनी है कि एक्स क्रोमोसोम अपने पिता से ही लेगा. यहाँ पे हम देखेंगे चाहे वो डॉटर है तो अपना ये जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो अपने फादर से ले रही है, ये बॉय है तो ये क्या कर रहा है, अपना इसने क्या लिया, वाई क्रोमोसोम लिया और एक्स क्रोमोसोम मदर से लिया. तो यहाँ पे यही आपको चीज बताई जा रही है कि जो एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम वो क्या लेगा, अपने एक्स क्रोमोसोम अपने मदर से लेगा, फादर से नहीं. यहाँ पे आपको सही कर रही हूँ कि ये क्या होगा, जो जितने भी चिल्ड्रंस होंगे उन सारे ही चिल्ड्रंस में से जो एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम वो हमेशा अपनी मदर से लेंगे. अब यहाँ पे हमने क्या देखा था, हमने कहा एक एक्स क्रोमोसोम इसने अपने फादर से लिया लेकिन एक इसने अपनी मदर से लिया. ये बॉय है तो इसने अपना एक्स क्रोमोसोम अपनी मदर से लिया, ये डॉटर है तो इसने अपना एक एक्स क्रोमोसोम अपने मदर से लिया, और ये सन था तो इसने फिर से एक्स क्रोमोसोम अपने मदर से लिया. तो एक्स क्रोमोसोम जितने भी बच्चे होंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अपना एक्स क्रोमोसोम कहाँ से लेगा, मदर से लेगा, ना कि फादर से लेगा. अगर वो डॉटर है तो वो फादर से भी अपना एक्स क्रोमोसोम लेगी, और अगर वो सन है तो वो फादर से क्या लेगा, वाई क्रोमोसोम को लेगा. नेक्स्ट हमने क्या देखा, द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रंस विल बी डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम देयर फादर. यानी कि यहाँ पे अगर सेक्स का डिटरमिनेशन होगा, लिंग का निर्धारण होगा, तो वो कैसे होगा, जो फादर के जो क्रोमोसोम है उस पर डिपेंड रहेगा, उसी पे डिपेंड होगा कि यहाँ पे सन होगा या डॉटर होगी. अगर फादर का एक्स क्रोमोसोम वहां पे संलयित हो रहा है तो वहां पे डॉटर हो रही है, और अगर फादर का वाई क्रोमोसोम वहां पे संलयित हो रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे सन का प्रोडक्शन हो रहा है या फिर बॉर्न हो रहा है. अ चाइल्ड हु इनहेरिट्स वाई क्रोमोसोम विल बी बॉय. यानी कि जिसे वाई क्रोमोसोम मिला वो बॉय है, और एंड हु इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम विल बी अ गर्ल. अब जिसे एक्स क्रोमोसोम मिला वो क्या हुई, गर्ल भी. अब ये लाइन किसके लिए कही गई है, ये फादर के लिए कही गई है कि अगर फादर से वाई क्रोमोसोम मिला है तो बॉय होगा, और अगर फादर से एक्स क्रोमोसोम मिला है तो गर्ल है. नेक्स्ट हमने क्या देखा, अ मेल सीमेंस होल्ड्स अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ वाई स्पर्म सेल्स एंड अदर 50% ऑफ एक्स स्पर्म सेल्स. अब ये हमें पता है कि यहाँ पे जो सीमेंस है, सीमेन में 50% एक्स क्रोमोसोम होंगे, 50% वाई क्रोमोसोम होंगे. देयरफोर देयर आर अ पॉसिबिलिटी दैट द मैन हैव अ थ्री और अ मोर चिल्ड्रन ऑफ अ सिंगल जेंडर. यहाँ तक की बात अब हमने कर ली है, आपको पता चल गया है कि जो सेक्स का जो डिटर्मिनेशन होता है वो किस प्रकार से होता है और वो किसके क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है. ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे. तो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे. आई होप जो भी मैंने आपको समझाया है आपको समझ में आया होगा. आपने जो भी पढ़ा आप उसको रिवाइज करेंगे. तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद.